अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी वन। दोस्तों आज की वीडियो में हम स्टैंड वाला पंखा बनाएंगे जो डीसी पे भी चलेगा और एसी पे भी चलेगा और बहुत कम खर्चे पे चलेगा। तो ये पंखा जो है हम काफी सस्ते में तैयार करने वाला है और बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। अगर आप एक तैयार डीसी एसी पंखा खरीदते हैं तो वो काफी महंगा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं काफी सस्ते में आप लोगों को तैयार करने का तरीका बताऊंगा और इस वीडियो में हम जो भी चीजें यूज करने वाले हैं ये आपको किसी भी लोकल दुकान से मिल जाएगी। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो गाइस स्टैंड के पंखे में जो है हम कुछ चीजें यूज करेंगे जो मैंने ऑलरेडी, मेरे पास एक पर है, ये मैंने लोकल मार्केट से 150 रुपए का लिया हुआ है। तो 150 से लेके 180 तक आपको किसी भी लोकल मार्केट से ये मिल जाता है। और इसके अलावा हम इसमें डीसी 775 को मोटर यूज करेंगे जो कि आप लोगों को इस तरह मुख्तलिफ शेप में नजर आएंगे। ये एक थोड़ा सा छोटा एक बड़ा है, ये जो बड़ा वाला है इसके ऊपर लिखा हुआ है सामने। तो ये RS775 मॉडल है डीसी 12 वोल्ट और ये कॉपर मोटर है और ये इसका बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन ये सिल्वर का है और इसके शापर दोनों बिल्कुल एक जैसे बने हुए हैं। इसका शापर थोड़ा सा लंबा है और इसका पिछला शापर जो है वो मैंने ऑलरेडी काटा हुआ है। तो इसको मैंने किसी और चीज़ में इस्तेमाल किया था इसलिए इसका शापर मैंने काटा हुआ है। तो इसमें जो है हम काफर वाला यूज़ करेंगे और ये आपको किसी भी लोकल मार्केट से 450 रुपये का मिल जाएगा। और ये जो सिल्वर वाला है ये 350 का और ये 450 से 500 के दरमियान आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर एरिया के अलग अलग कीमत होते हैं। किसी के पास 400 का होता है, किसी के पास 500 का, किसी के पास 600 का होता है। और इसके अलावा इसको स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम इस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे जो कि आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाएगा या आप इसको दराज से ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और इसको अगर आप यूज़ ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट भी चला सकते हैं। और इसको चलाने के लिए हम डीसी पावर सप्लाई का यूज़ करेंगे जो कि आपको किसी भी लोकल मार्केट से 250 रुपए का मिल जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने रिपेयर भी किया हुआ है, इसमें मैंने कुछ कंपोनेंट जो है बैक साइड पे यहाँ पे लगाई हुए हैं तो ये हमारा जो है प्रॉपर काम करता है। तो इसको हम एसी से चलाने के लिए यूज़ करेंगे और इसको हम बैटरी से डायरेक्ट भी चलाएंगे। और इसके अलावा इसके बैक साइड के लिए जो है मैंने ये 4 इंची वाला पाइप एक पीस काटा हुआ है, ये भी आपको किसी सेंट्री की दुकान से मिल जाएगा। और स्टैंड को बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी 2 इंच का पाइप काटा हुआ है जो कि 3 फुट का लंबा है। तो ये दोनों जो है आपको 100-150 रुपए के किसी भी लोकल मार्केट से मिल जाएंगे। और बात रही इसके ऊपर जाली की, तो ये जाली भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप से मिल जाएगी। जिससे ये फर मिलते हैं उसी से ये जाली भी मिल जाएगी। तो ये 400 रुपए की जाली मुझे मिली ही, हो सकता है आपको 400-500 से ज़्यादा मिल जाए या 400 से कम मिल जाए, आपके एरिया पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब इसको फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इसका स्टैंड वगैरह बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक लकड़ी नीचे कड़ा करने के लिए ऑलरेडी काटी हुई है। तो ये काफ़ी वजनी भी है, इसके 3 साइडों पे ये जो पट्टी है लगी हुई थी और एक साइड पे मैंने खुद जो है यहाँ से यहाँ तक लगा ली है। तो ये इसका नीचे वाला स्टैंड है और इसके ऊपर हम अपने पंखे के लिए हॉल करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टैंड बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सेंटर में इसके लिए जगह सुराख कर लेता हूँ। तो इसमें सुराख करने के लिए मैं एडजस्टेबल हॉर्सा यूज़ करूँगा और आप इसके लिए जो है मैनुअल हॉर्सा भी यूज़ कर सकते हैं या किसी और चीज़ से भी आप सुराख कर सकते हैं। तो गाइज इसको मैंने आर पार करना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर इसको इसी तरह छोड़ दो तो इसमें पाइप अच्छी तरह से फंस भी जाएगा और सुराख भी पीछे से बंद हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया और इसको मैंने पूरा नहीं निकाला, यहाँ पे बस खाली थोड़ी सी मैंने बैक साइड पे लकीर निकाली है और फ्रंट साइड से जो है इसको मैंने तकरीबन आधा इंच जो है डाउन कर दिया है। तो गाइस ये इसमें बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो इसके ऊपर जो है मैं सुपर ग्लू भी लगाऊंगा ताकि ये इसमें और भी जो है मजबूत हो जाए। तो इससे पहले जो है हम इसका ऊपर वाला साइड बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। यहाँ पे हमारे पास जो 4 इंच का पाइप है इसको हम इसके ऊपर इस तरह लगाएंगे और इसमें अंदर हम अपना मोटर फिट करेंगे। तो इसको मैं पहले से जो है गोल काट लेता हूँ। तो गाइस अभी ये मेरे पास एक पीवीसी पाइप से मैंने शीट बनाया हुआ है। तो ये 4 इंची पाइप को जो है मैंने गर्म करके सीधा किया हुआ है। तो इसके लिए जो है मैं इससे फ्रंट और बैक साइड दो गोल गोल करके काट लेता हूँ। पाइप के लिए मैंने जो 2 ढक्कन काटे थे, इसमें एक ढक्कन में मैंने ऑलरेडी जो है इस मोटर के लिए सुराखें कर ली हैं। और रात का टाइम है तो बाहर से जो है कीड़ों की आवाज़ें भी आ रही है और अगर दिन को बंदा वीडियो बनाए तो दिन में फिर क्या होता है कि यहाँ पे फिर चले रेत वाले और पुराने और भीगे आ जाते हैं तो उसकी आवाज़ें आती रहती है। तो पेंडिंग में ये बहुत बड़ा रोला है, अगर कोई भी बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा हो तो वो जो है सारा ख़राब हो जाता है। कभी कभी किस चीज़ की आवाज़ आता है और कभी किस चीज़ का आवाज़ आता है। तो
यहाँ पे मोटर जो है अच्छी तरह से मैंने लगा लिया है, और इसको इसमें लगाने से पहले जो है मैं इसके साथ दो तारे जो है जल्दी जल्दी से टांका कर लेता हूँ। तो ये हो गया जी हमारा नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। और अगर आप चाहें तो आप इसमें अंदर बैटरी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें अंदर काफी स्पेस है, तो आप इसमें बैटरी ऐड करके इसको रिचार्जेबल भी बना सकते हैं। तो इसको बंद करने के लिए मैं सुपर ग्लू लगा देता हूँ। तो गैस ये हमारा मोटर लग गया इसमें अंदर, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ये बंद हो चुका है। और अब जो है हम इसका बैक साइड लगा लेते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें जो है हम नीचे यहाँ पे एक सुराख करेंगे अपने तार को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये जो पिछला साइड है इसमें मैं अपना डिमर लगा देता हूँ। तो इस डिमर का कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आप लोगों के सामने है V+V-। तो यहाँ पे आप इसको मेन कनेक्शन दोगे बैटरी से, और यहाँ से M- और M+, यहाँ से आप सीधा आउटपुट मोटर को दोगे। M का मतलब है मोटर की तरफ। तो इसको जो है आप, मैं मोटर वाले तार यहाँ पे प्लस और माइनस लगा देता हूँ। और अब अपना डिमर जो है इसको हम यहाँ पे इसमें सेट कर लेते हैं। यहाँ से दूसरी साइड पे मैं ये नट लगा लेता हूँ। तो अब हमारे पास ये जो दो इनपुट तारे हैं, इसमें हम जो है अपने पावर सप्लाई से जो आउटपुट तारे हैं इसको हम इसमें लगाएंगे। तो ये वाले जो तीन पॉइंट है ये नेगेटिव है, और इस साइड वाले पॉजिटिव है। तो आप इसके अलावा अपना कोई और भी चार्जर या 12 वोल्ट सप्लाई यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें अंदर जो है ये यूज करूंगा, ताकि हम इसको डायरेक्ट जो है AC से चलाए। और DC से चलाने के लिए जो है मैं यहाँ पे इसमें ये स्पीकर का होल्डर लगा देता हूँ। तो यहाँ से आप इसको नेगेटिव और पॉजिटिव देके इसको DC से भी चला सकते हैं, और AC का फिटिंग मैं इसमें अंदर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं इसके लिए भी दो सुराखें कर लेता हूँ। तो ये इसका DC हो गया इनपुट, और इसके ऊपर जो है मैं यहाँ पे दो पेच भी लगा लेता हूँ। तो ये DC से चलने के लिए हमारे पास इसमें एक होल्डर हो गया, और ये जो है इसका चलाने का कंट्रोल करने का डिमर हो गया। ये ऑन ऑफ भी है और डिमर भी है। तो ये होल्डर को निगेटिव और पॉजिटिव में लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है इसको मैं दो तारे जोड़ लेता हूँ। तो ये दोनों तार जो है यहाँ पे मैं सर्किट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने सर्किट के साथ कनेक्ट कर लिया। तो अब जब हम इसको बिजली से चलाएंगे तो भी ये हमारा मोटर चलेगा, और हम अगर बैटरी से चलाएंगे तो भी चलेगा। तो ये दोनों तार जो है अब मैं इसको इस डिमर में लगा देता हूँ। तो ये मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लगा लिए। तो ये हमारे सर्किट से भी जा रहे हैं, और ये बैटरी से भी जा रहे हैं, और ये इसका कंट्रोलर है। तो अब इसको जो है ये इसके साथ बिजली वाला तार है ये मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, और इसको जो है उस सुराख से वायर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सुराख किया था, तो यहाँ से ये हमारा AC करंट पे चलेगा, और बैक साइड पे जो है DC करंट से चलेगा। तो इसको यहाँ पे जो है ग्लो गन से मैं इसमें अंदर चिपका देता हूँ। यहाँ पे सर्किट के साथ जो है मैं थोड़ा सा ग्लू लगा देता हूँ। तो इसके बैक साइड पे नट लगाने के लिए भी मैं यहाँ पे इसमें छोटे छोटे पेच लगा देता हूँ, और इसके ऊपर हम पेच लगाएंगे ताकि अगर दोबारा खोलना पड़ जाए तो हमको इसमें खोलने में आसानी हो। ये जाली इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और इसके ऊपर जो है मैं पेच लगा देता हूँ, ये वाले पेच लगाऊंगा, और इसके साथ ऑलरेडी वॉशर भी है। तो गैस ये इसके साथ मैंने जाली लगाई, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है जाली लग चुकी है। तो गैस जाली बहुत जबरदस्त तरीके से जो है लग चुकी है, और अब जो है मैं इसको इसका पर लगा देता हूँ, और पर लगाने के बाद जो है हम इसको नीचे वाला स्टैंड लगा लेते हैं। तो ये मैंने इसको इसका पर लगा लिया, और इसके ऊपर जो है ये नट टाइट कर लेते हैं, और अब जो है इसको नीचे वाला स्टैंड लगा लेते हैं। और तो गैस अभी जो है मैं इसका नीचे वाला स्टैंड जल्दी जल्दी से इसमें फिक्स कर लेता हूँ इस लकड़ी में। तो गैस इसको भी मैं नीचे जो है सुपर ग्लू डाल लेता हूँ, क्योंकि इसके बाहर जो है ये सही नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसमें भी सुपर ग्लू डाल लेता हूँ। तो ये इसमें बहुत अच्छी तरीके से जो है चिपक चुका है, और अब जो है ये हम स्टैंड वाला पंखा जो है इसके ऊपर LP के साथ चिपका लेते हैं।
तो गैस यहाँ पे जो है पंखा हमारा तैयार हो चुका है और अब मैं इसका जो है फ्रंट वाला जाली लगा देता हूँ। तो ये हो गया जी इसका फ्रंट वाला जाली। तो गैस पेन जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है। और ये इसका स्टैंड है, तो बहुत ही मजबूती है जो है हमारा पीवीसी पाइप से हमारा ये पेन तैयार हो चुका है। तो ये इसका केबल जो है ये वाला, ये एसी बिजली से चलने वाला है और ये डीसी बिजली से चलने वाला ये है। तो पहले जो है हम इसको डीसी बिजली से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी है जो मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ था। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जो है पॉजिटिव लगा देता हूँ, पॉजिटिव को, नेगेटिव जो है मैं नेगेटिव को लगा लेता हूँ। तो अभी मैं यहाँ से बटन ऑन करूँगा। तो यहाँ पे इसमें जो अपना लाइट है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है, और जैसे जैसे आप इसको घुमाते रहो इसका इतना स्पीड जो है चलता है। तो अब ये फुल स्पीड हो गया इसका, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है चल रहा है इससे। ये डीसी से हम चला रहे हैं, ये बैटरी जो है ये बहुत ज़्यादा बैकअप देने वाली बैटरी है। तो इसको मैं फिलहाल बंद कर लेता हूँ और इसको हम अभी एसी करंट से चेक कर लेते हैं। तो ये इसका बिजली का तार है, इसको मैं बिजली में लगा देता हूँ। तो आप लोगों के सामने है अब ये बिजली से चल रहा है। तो ये इसका स्पीड कंट्रोलर है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा पेन तैयार हो चुका है। तो यहाँ से हम इसको स्पीड दे सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।